आज यौम दिफा पाकिस्तान तो है, यौम दिफा के हवाले से सबसे पहले आपसे मैसेज लेना चाहेंगे कि आज के दिन के मौके पर आप क्या कहेंगे? वेल, बीइंग द एयरफोर्स ऑफिसर, मेरे लिए सबके लिए मैसेज ये है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एयरफोर्स में आए, आर्मी में आए, नेवी में आए, ज़रूर आए, अपने कंट्री को सर्व करें, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे वो कंट्री में जहाँ भी बैठे हैं कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें कि पूरे कंट्री के लिए कुछ करें। ये हमारा कंट्री है, हमें कुछ में कुछ करना है, ठीक है? तो हमारा प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। साकिब, आपसे भी यही बात करना चाहूँगी, आज यौम दिफा के मौके पर क्या मैसेज देंगे? आज शहीदों और गाजियों को तो हम सलाम पेश कर रहे हैं, उनके कुर्बानियों को तो याद किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आयशा की बात को आगे लेके चलूँगा। जैसे कि आयशा ने कहा कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अस कि हम डिफेंस फोर्सेस में हैं तो तभी हम मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। हम किसी भी मुल्क के किसी भी महकमे में कहीं भी हैं तो हम अगर अपने दिल से और ऑनेस्टी के साथ अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे लिए वही बेहतर है कि हमारा अगर छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस मुल्क की तरक्की और उसकी बका के लिए अगर हमारा वो कदम और वो एक्शन अगर जा रहा है तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ठीक हो गया, मतलब आपने काफ़ी अपना पैशन और अपना इंटरेस्ट शो किया है। अच्छा, आप इस फील्ड की जानिब कैसे आ पाई? मेडिकल फील्ड से आप बिलोंग करती हैं, डॉक्टर हैं आप, और ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे किस तरह से की जाती है? जी, मुझे हमेशा से डॉक्टर बनने का शौक़ था बचपन से, लेकिन साथ में मुझे बहुत शौक़ था मैं यूनिफॉर्म पहनूँ, अपने कंट्री को सर्व करूँ किसी तरीके से। अब ये दो पैशन कैसे इकट्ठे हो सकते थे मैंने बहुत सोचा, बचपन से सोचती रही। जैसे मैं बड़ी हुई, मेडिकल कॉलेज में आई, तो मैंने ये अपना एम बना लिया दैट आई हैव टू जॉइन फोर्सेस। तो मेरे पास ये बहुत अच्छी ऑप्शन थी, मैं एयरफोर्स में आ गई। ट्रेनिंग में चैलेंजेस थे, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छा चला गया। ठीक है, मतलब आपने मेडिकल के फील्ड को ही ज़्यादा लाइक किया, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब फ्लाइंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है, आप तो ख़वातीन भी काफ़ी आगे आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये तो अपने इंटरेस्ट की बात होती है, बहुत अच्छा है जो फ्लाइंग में ख़वातीन आ रही हैं। एडमिन ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, काफ़ी ब्रांचेस हैं, लेकिन मैंने आपको बताया मेरे दो पैशन थे, एक सबको सर्व करना एज अ डॉक्टर, और दूसरा था डॉक्टर सर्व करना, बीइंग एन एयरफोर्स ऑफिसर या बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, जो भी है यूनिफॉर्म पहन के उनको सर्व करना, क्योंकि ये टफ टारगेट तो नहीं है। जब कॉम्पिटिशन था इसमें, जोश, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन होता है, हर कोई आना चाहता है, लेकिन जब आप में एक जोश, जज्बा, जुनून होता है तो सब कुछ बहुत ईजिली सब कुछ हो जाता है, आपके सब जो गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं अचीव हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र। और साकिब, बात का क्या बचपन से ही इंटरेस्ट था या कि फैमिली की जानिब से आपको कहा गया, पर्सनल इंटरेस्ट था, किस तरीके से आप आए इस फील्ड में? बेसिकली तो पाकिस्तान में कोई भी बच्चा हो उसका पायलट बनने का बचपन से शौक होता है, या तो वो पायलट बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है। मेरे केस में टू बी ऑनेस्ट मेरी मदर की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो चाहती थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ और वो मुझे देखना चाहती थी एज अ पायलट, तो उनका ख्वाब पूरा करने के लिए मैंने मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ पीएफ एकेडमी असगर खान में।